इतना विश्वास सच में नहीं मिलता। मैं अगर मेरे पेरेंट्स को छोड़ दूं, उनके अलावा हमारे कोई भी रिलेटिव हो, तो तब भी मुझे इतना विश्वास नहीं मिलेगा, इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना बॉस के पास रखे मिलता है। तो सच में सुप्रीम है, और ऐसा और कहीं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मैं विवेक जयपुर से हूँ। मैंने 2019 में 11th क्लास में फाउंडेशन से कोर्स ज्वाइन किया था। तब हमारे एग्ज़ाम्स 2020 में हो गए थे कम्प्लीट, तो बीच में एक बार ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई कोरोना की वजह से। फिर 2021 में सिलेबस 12th का भी कम्प्लीट हुआ, और तब मैंने एग्ज़ाम दी, बट मेरी कुछ गड़बड़ रह गई, पेपर छूटा उठा। तो फिर बट हार नहीं मानते, जैसा बॉस कहते हैं, बॉस को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, हम अच्छा अगर डिज़र्व करते हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए बॉस से वापस बात हुई, तो कुछ स्टूडेंट जो मेरे साथ में थे, हमारा एवरेज अच्छा ही चलता था सभी का, बट मेरा पेपर छूटा तो मेरे 650 प्लस ही मार्क्स रह गए थे 2021 में। ऐसा स्कोर कम नहीं था, कुछ बच्चों का जो सपना होता है कुछ कॉलेज के लिए, बट वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। और किसी को हो सकता है कि इसको सिलेक्शन लेना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो किसी को ड्रीम कॉलेज चाहिए। तो बस बॉस ने एक बार बोल दिया तो मान लिया, बस पेरेंट्स ने बोल दिया जैसा बॉस कहें वैसा कर ले। काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, 650 मार्क्स पे आप दोबारा करते हो तो बेवकूफ़ी है, बहुत अच्छे मार्क्स से आप कॉलेज ले लो। लेकिन बॉस ने कहा कि तू ये डिज़र्व करता है तो दोबारा लग जा। तो हम शुरू हो गए। फिर बॉस ने बोला कि थोड़ा स्टूडेंट से एक बार हाइट ले, या तो अगर तुझे इनकन्वीनियंस होता है तो। बॉस ने पूरी इतना विश्वास सच में नहीं मिलता। मैं अगर मेरे पेरेंट्स को छोड़ दूं, उनके अलावा हमारे कोई भी रिलेटिव हो, तो तब भी मुझे इतना विश्वास नहीं मिलेगा, इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना बॉस के पास रखे मिलता है। तो सच में सुप्रीम है, और ऐसा और कहीं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब अभी भी बिलीव नहीं होता कि इतना ट्रस्ट आप मुझ पर करते हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की, और बहुत अच्छे से हमने सारे टेस्ट अटैम्प्ट किए। मैं बॉस के घर पर रहा साथ में, मेरे साथ बॉस ने ऐसा स्टूडेंट मुझे साथ में दिया था कि कंपनी बनी रहनी ज़रूरी है, अकेले आप रहते हैं। तो मैं कैंप में नहीं पढ़ पाता था, तो वहीं पे मैं पढ़ता था। मेरे साथ स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट लक्ष्मण चौधरी भैया मेरे, वो एकदम बड़े भाई जैसे, मतलब एकदम मेरे को एकदम छोटा भाई समझ के, बिल्कुल खास भाई समझ के अपना केयर किया। श्री राम भैया ने भी मुझे एकदम फुल स्नेह दिया, और उसका रिजल्ट था कि हम अच्छा किए, और बाकी बॉस का प्यार है पूरा।